9 सितंबर को कुरुद में हुई घटना को लेकर भाजपाइयों ने अब मोर्चा खोल दिया है। अपने तय कार्यक्रम के तहत आज गुरुवार को कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के नेतृत्व में भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट में सद्भावना उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विधायक ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया। साथ ही 9 सितंबर को बीजेपी कार्यालय में जो घटना हुई थी उसमें सभी दोषियों पर कार्यवाही करने की बात भी कही है। कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेने की भी बात कही है। बता दें कि पिछले 9 सितंबर को युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कुरुद विधायक अजय चंद्राकर को थूक दान भेंट करने के लिए भाजपा कार्यालय गए थे। इसी दरमियान गमछा भेंट करने की बात को लेकर भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन करते दिखे। पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर ने कुरुद SDOP समेत थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग कही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के दमन के खिलाफ, कांग्रेस के तौर तरीकों के खिलाफ आज प्रशासन का शासन का ध्यान आकर्षित किया है। इस अब हम शांतिपूर्ण ढंग से आपको कहना चाहते हैं कि आप एक तरफा कार्रवाई मत करें, कांग्रेस की गुंडागर्दी पर लगाम लगाएं। कार्यालय में घुस के गुंडागर्दी उन्होंने की, काउंटर केस लगाया भाजपा और कांग्रेस वालों के ऊपर। 6 घंटे तक कांग्रेस के लोग थाना परिसर में धरना देते रहे। जिला कलेक्टर से लेके SP से लेके TI से लेके SDOP उन लोगों के दामाद की तरह मिजाज पूर्ति करते रहे। ये ऐसा नहीं चलेगा। मेरे साथ भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, यह ऐसा नहीं चलेगा। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ में हैं या प्रदेश में हैं, उनको उंगली भी उठाई तो उनको परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। TCP 24 के लिए धमतरी से हेमलाल साहू की रिपोर्ट।